भाजपा के वरिष्ठ नेता व वर्तमान सांसद शांता कुमार ने जरोवर स्टेडियम में भाजपा महिला सम्मेलन के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाकर रख दिया था। धर्मशाला में जो भी आता था उसका मैनेजर नाम लिखता था, जबकि यहाँ घुसपैठ होती रही, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था और हिंदुस्तान को लावारिसों की धर्मशाला बना दिया गया था। अब पाक प्रधानमंत्री की बात पर कांग्रेस हो हल्ला कर रही है। उन्होंने कहा कि पाक पीएम ने जो कहा था कि क्या कांग्रेस उस पर भरोसा करती है, आलम यह है कि कांग्रेस उस बात पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि सीमा पर बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ को कांग्रेस प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि घुसपैठ कर आने वाले सभी कांग्रेस के वोटर्स थे। उन्होंने कहा कि एक अनुमान देश में 2 करोड़ विदेशी बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी। शांता कुमार ने कहा कि लाखों की संख्या में असम में रह रहे लोग जो स्थानीय निवासी नहीं है उन्हें बाहर करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में देश को नई दिशा मिली है और अब भाजपा विकास के नाम पर वोट मांगकर जनता के बीच जा रही है। जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार दोपहर अनिल शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी कॉपी भेजी और जिसे जयराम ठाकुर ने भी स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है। गौर रहे कि उन्होंने सिर्फ अपने पद से ही इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी वे भाजपा के सदस्य हैं और वे मंडी सदर से अभी भी विधायक हैं। वहीं इस्तीफा देने से जयराम सरकार के मंत्रिमंडल में एक पद खाली हो चुका है, जिस पर सरकार लोकसभा चुनावों के बाद ही विचार कर सकती है। आपको याद दिला दें कि अनिल शर्मा के पिता पंडित सुखराम और उनके बेटे आश्रय शर्मा के कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी सरकार में अनिल शर्मा का मंत्री पद चर्चा का विषय बना हुआ था। कई दफा बीजेपी नेता अंदर ही अंदर उन्हें मंत्री पद से हटाने की वकालत भी कर चुके हैं, लेकिन मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सारी बात अनिल शर्मा पर छोड़ दी जाती थी। लेकिन अब अनिल शर्मा ने खुद ही सरकार को अपने मंत्री पद का इस्तीफा भेजा है, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। अपने इस्तीफे के बाद ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कई आरोप भी लगाए। नूरपुर के बोर्ड में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद एकल अभियान और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख सभ्य लोटिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज से धर्म रक्षा निधि इकट्ठे करता है। इस धन से संगठन का कार्य चलता है, जो कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और हिंदू भावनाएं अहित ना हो ऐसी जगह पर इस धन का उपयोग किया जाता है। एकल विद्यालय संभाग प्रशिक्षण प्रमुख सुनीता देवी ने बताया कि एकल अभियान का जो कार्य है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। नूरपुर भाग में 1290 विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय छोटे छोटे गांव में चल रहे हैं। गांव में बच्चे को 5 गतिविधियों का काम सिखाते हैं। पहले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं।
उन्हें प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा दी जाती है, बाकी चार गतिविधियां अपने गांव के लिए दी जाती हैं। नूरपुर भाग में जो 1290 विद्यालय चल रहे हैं, उनका पूरा का पूरा कार्य एकल के माध्यम से ही चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष सुरेश कुलेरिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम था। पहली बार देखा गया कि लोगों द्वारा धर्म रक्षा निधि में अपनी सहयोग राशि अपने दिल से दी गई है। ये राशि प्रदेश में संगठन के जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं, सेवा के कार्य चल रहे हैं, उनके काम में ये राशि खर्च की जाती है। विश्व हिंदू परिषद चंबा नूरपुर विभाग अध्यक्ष उदय पठानिया ने बताया कि धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में समाज व संगठन से जुड़े कार्यकर्ता राशि एकत्रित करते हैं। ये राशि हमारे संगठन को चलाने में और संगठन के विभिन्न सेवा कार्य को चलाने में ये राशि काम आती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद विनायक राव देशपांडे ने विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी क्या कमियां हैं जो विश्व हिंदू परिषद लोगों को बताती है कि हमारा हिंदू समाज एक नहीं है। भारत में कितने मुसलमान हैं? सब एक हैं। 6 करोड़ ईसाई हैं, सब एक हैं। पर 98 करोड़ हिंदू एक नहीं है। हमारी भी जाति है, मुसलमानों में भी जाति है और ईसाइयों में भी जाति है। सभी आपस में झगड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब इस्लाम की बात आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ईसाई भी जब ईसाइयत की बात आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु बड़ी दुखद बात है कि विभिन्न जातियों में बंटने वाले हिंदू कभी भी एक नहीं होते हैं।